मैम एक उपराला जो रह गया है दोबारा तो फिर आप किया है पंजाब के एक कैंप लगाया है, किस तरीके इस कैंप में दे दौ तो किस तरीके देखा कि अच्छ लोगों का इन्ना साथ मिल रहा है, लोग दूरों दूरों पिंड चल के आ रहे हैं तो इस कैंप के अपना सहयोग दे रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैडम एमएलए साहिबा का कि वो आए, और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और मैक्स फाउंडेशन जिन्होंने हमें डॉक्टर्स दिए, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सपोर्ट दिया ताकि हम कर सकें। बाबा फरीद ने हमें यहाँ पर, इंस्टीट्यूशंस ने हमें यहाँ पर जगह दी कि हम ये कैंप कर सकें, और मैक्स ने हमें डॉक्टर्स दिए और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए। देखिए ये काम एक साथ मिलकर ही होगा, कोई एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता, तो हम सब साथ मिल जाएँ तो पंजाब में ड्रग्स और कैंसर की छोटी सी एक कोशिश है जो बड़ी बन सकती है, पर अभी हमें छोटी कोशिश से शुरू करना होगा, नहीं तो अगर हम सोचें कि हम बड़ा काम करेंगे, बड़ा वो करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो इस उस हिसाब से हमने ये छोटी कोशिश की है जो बड़ी बन सकती है आगे जाकर। आप लोग जाइए, अपने लोगों के पास जाइए, आप लोग इलाज कराइए, डॉक्टर से बात होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, कंसिस्टेंसी से ही इलाज हो पाएगा, एक बार ही से इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगी कोई भी प्रॉब्लम बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती है, चाहे ड्रग हो या कैंसर हो, ऐसी नहीं है, पर इसमें हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आईटीवी, मैक्स फाउंडेशन और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्राउंड लेवल पे काम करके ये प्रॉब्लम भटिंडा से शुरू कर रहे हैं, हम पूरे पंजाब स्टेट में जाएंगे और हम इस प्रॉब्लम का स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम सबके मिलने से ही ठीक हो पाएगी।